खामोशिया बेचैनिया ना दानिया। चलो केक काटो और खत्म करो। भाभी इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ चंदू अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है ना सोचने के लिए। अब सोचना क्या है, मुझे सब समझ में आ गया है। अरे आप समझ ही तो नहीं रही हैं चंदू दीदी। क्या मतलब? कुछ नहीं भाई। हाँ भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो भाभी को? अबे यार उसको जाना है तो जाने देना, उसे बोलकर तू मुझे पिटवाना चाहता है। कोई तो रोक लो मुझे, फिर मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाई तो कौन सी नई बात है, तुम तो वैसे भी रोज पिटते हो, एक बार और पिट लो ना प्लीज। ओके चंदू मैं क्या कह रहा था। चंदू क्या कहना चाह रहे थे तुम? के तुम कानपुर जाके हमें फोन तो करोगी ना? हाँ, क्या फर्क पड़ता है फोन करूँ या ना करूँ। मैं देखती हूँ। अरे बास आइए, आप भी आइए। बॉस क्या चल रहा है ये सब? अरे फेयरवेल बंद करो भाई। बॉस आप मेरी चंदू को बिना फेयरवेल ले जाना चाहते हैं? आपके सीने में दिल है या नहीं? हमारी भाभी को तो दूर करना चाहते हो, तुम्हारे सर पे कभी बाल ना आए। आपकी गलती के लिए आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। अरे तान्या भगवान अंकल तो वैसे भी किसी को माफ नहीं करते। अरे नंदू भाई मैं ऊपर वाले भगवान की बात कर रही हूँ। अरे आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, चांदनी कहीं नहीं जा रही है क्योंकि उसके फेयरवेल की जरूरत नहीं है, उसका ट्रांसफर रुक गया है। क्या? सीधी सी बात है, इसका जाना कैंसिल कर दिया गया है, इसका ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली की ही एक दूसरी ब्रांच ऑफिस में, प्रमोशन दिया गया है इसे, इसलिए नहीं जाएगी। हम कहां आप लोगों ने मुझे डांट दिया। वो इसलिए गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये नहीं चाहते कि मैं जाऊं, है ना? हाँ चंदू मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। हाँ भाभी भले ही आप मुझे पूरा दिन ताना मारे और भाई को पूरे दिन जूते चप्पल से सूते, लेकिन तब भी हम आपको दूर नहीं जाने दे सकते। बस कर पगले, रुलाएगा क्या भाई। वाह आई अप्रिशिएट दिस। चांदनी तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। रियली लाइक इट। वैसे हो गया ना बाप का? Yes, I like it. Okay, enjoy. Bye. 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 See you. Bye. Bye. खामोशियाँ बेचैनियाँ।